नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामना। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन आज हम दुर्गा सप्तशती के अध्याय 5, 6, 7 और 8 के पाठ का श्रवण करेंगे। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए थे, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिस देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और नैर रीति राजाओं की लक्ष्मी तथा सवारणी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्ध रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांत रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्त रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्ट रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांत रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें।
असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को समग्र नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च श्रैवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वह भी आपके पास है और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैतेंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है और जो अग्नि में न जल सके ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने यह विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मान लेते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर में मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें इस संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले।
इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ के समान युद्ध में नहीं ठहर सकता, तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े ही बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करें। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मे देव्या दूत संवादो नाम पंचमो अध्यायः संपूर्णम्। छठवां अध्याय, धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहां ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा है, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, तुम उसको भी अवश्य ही मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपने दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा ही क्रोध आया। क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांध कर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों ही मारे जावें तब भी तुम उसको बांधकर यहाँ ले आना। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मे धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठो अध्यायः संपूर्णम्। अध्याय 7, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा ही क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया और उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था।
जो भयंकर शब्द की दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी और इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुख में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुख में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौद्र डाला और कितनी उनकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उनके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये चामुंड वधो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्णम। अध्याय 8 रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, द्रौहद, मौर्य और कालकीय भी मेरी आज्ञा से सच कर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेनाओं को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटों के शब्द के ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके पश्चात ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकीय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। हंसयुक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकीय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा
धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई और नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई। उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी एरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभो, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए कि उनके अतिरिक्त और जो भी कोई दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आरापार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान हुई थी वहां पर पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों शक्तियों तथा त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्रह्माड़ी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंही ने अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचरण कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देख राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता हुआ देख रक्त बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तुरंत वैसा ही शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा में हाथ लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति, वाराही ने खड्ग और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भय भी देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त छीड़ होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे।
काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली उसको अपने मुख में ले लेती थी लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका की खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र बाण दृष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये रक्त बीज वधो नाम अष्टमो अध्याय संपूर्णम्। जली आरती लिए खड़ी दरबार अम्बे माँ, तेरे द्वार अम्बे माँ, मुझ गरीब की आरती स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। जली आरती लिए खड़ी दरबार अम्बे माँ, तेरे द्वार अम्बे माँ, मुझ गरीब की आरती स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। यदि होता धन पास हमारे मंदिर तेरे आती, यदि होता धन पास हमारे मंदिर तेरे आती, यदि होती नजदीक तो मैया लेके आरती गाती। केवल श्रद्धा भक्ति को स्वीकार करो माँ, केवल श्रद्धा भक्ति को स्वीकार करो माँ, मुझ गरीब की आरती स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। इस बगिये में फूल खिले हैं इसे खिलाए रखना माँ, इस बगिये में फूल खिले हैं इसे खिलाए रखना माँ, छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना माँ। हर तरफ से हो गई लाचार अम्बे माँ, लाचार अम्बे माँ, मुझ गरीब की आरती स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। जली आरती लिए खड़ी दरबार अम्बे माँ, तेरे द्वार अम्बे माँ, मुझ गरीब की आरती स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ।